वेल हेलो यूट्यूबर्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो ये जो वीडियो है इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट एक्सोर का नया हेलमेट विच इज़ द 16th ईयर ऑफ XBHP। ये हेलमेट की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है एंड मेरे चैनल पे भी आई कि आप इसका एक स्पेशल वीडियो बनाओ। और सबसे अच्छी बात ये रही कि ये जो हेलमेट है ये अभी लोकेश ने खरीद लिया है तो आपको मिलेगा एक ओनर रिव्यू। कितने घंटे के लिए तूने इसे यूज़ करा? सुबह से तो घूम ही रहा है मेरे ख्याल से। पाँच घंटे की राइड करके आया है तो एक अच्छा ये रिव्यू दे देगा कि विंड नॉइस है या नहीं। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं और जो इसको नहीं जानते, ये है लोकेश, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। ये इसका जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम है लोकेश स्वामी और इसने अभी नई नई बाइक ली है जो खड़ी है पीछे, विच इज द KTM 390 एडवेंचर, और उसमें लगा एक टेडी। टेडी ये रहा इसका वो टेडी, बिग टेडी विल बिकम अ बिग डैडी। तो चलो ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले अपन अब बात करते हैं अपने मेन कंटेंट की जो कि है इसका हेलमेट। तो सबसे पहले मैं आपको हेलमेट दिखाता हूँ। सो हेयर इट इज, दिस इज़ द XBHP 16th ईयर एडिशन। सबसे पहले जो आप इस हेलमेट के अंदर नोटिस करोगे ना वो है इसके ग्राफिक्स। बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स है, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने वाटर पेंटिंग करी हो और फिर उसको लैमिनेट कर दिया हो, एकदम इस तरीके के आपके ग्राफिक्स हैं। अगर हम बात करें कलर की तो इसमें आपको सारे कलर मिल जाएंगे, वेदर इट इज़ ग्रीन, वेदर इट इज़ ब्लू, वेदर इट इज़ येलो और रेड, एंड ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा 16th ईयर ऑफ XBHP। यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाएगा पीछे वाइट कलर का, आगे आपको मेटेलिक एक्सोर का जो साइन है वो मिलेगा। ये देखो ये बाहर निकला हुआ है जैसा कि अपने वेनमस में अपन ने देखा था। एंड बात करें अगर इसकी और फीचर्स की तो ये है एक एंटी फॉग वाइजर, ये पहले से ही एंटी फॉग है। अगर हम बात करें और बाकी के फीचर्स की तो इसके अंदर आपको बहुत सारे इनलेट्स मिलेंगे एयर के, एक तो यहाँ पर है इसके कैमरे के पीछे, दो इनलेट ऊपर की तरफ दे रखे हैं, एक ये रहा एक ये रहा। अगर हम बात करें इसके आउटलेट की, जब मैंने पिछली बार वेनमस का वीडियो बनाया था तो मुझे बहुत लोगों ने बताया कि इसका आउटलेट भी है और वो यहाँ पर है, तो यस आई वॉज रॉन्ग इन दैट वीडियो। तो इसका आउटलेट भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाकी के फीचर्स की। इसके अंदर आपको एक मिलेगा सनशेड डबल वाइजर जिसको अपन बोलते हैं, ये रहा। अरे तूने तो इसके अभी तक पर्ची भी नहीं निकाली, खोल के दिखा। नहीं कुछ नहीं निकाला मैं, खोल के दिखा एक बार इसको अच्छे से। तो ये है वो डबल वाइजर, इस तरीके से ये निकलता है तो आपको गॉगल पहनने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है ये एक डबल लेयर प्रोटेक्शन है इसके अंदर। तो ये इसकी पैडिंग है देख लेना, हाँ ऐसी कुछ पैडिंग है अंदर। और ये मेरा दूसरा हेलमेट है जो मैं एक्सोर कर लिया है मैंने, पहले इससे पहले भी तेरे पास एक्सोर करा, तूने यहाँ पे छेद भी कर दिया। यस ब्रो, छेद मैंने इसलिए कर दिया ना, पहले वाले हेलमेट को मैंने यहाँ से काट दिया था मोटर ब्लॉक करने के चक्कर में। अच्छा। बट इस बार कुछ अच्छा है, अपन ने जुगाड़ लगाया है, यहाँ से हल्के से ब्लेड से कट लगाया और ये सेटअप अपन ने। तो जो लोग पूछते हैं कि यार गोप्रो को कैसे सेटअप करा जाए, तो एक ये माउंट आता है इसका, तो आप ये माउंट लगा सकते हो और ये किसी भी हेलमेट पे लग जाएगा और सिर्फ 700 रुपए का है ये। एंड फिर आपको कोई भी मतलब चिपकाने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज दिस, यू कैन डिसमाउंट इट, आपका हेलमेट खराब नहीं होगा। और थोड़ी और बात कर लें, जो इसके पैड्स हैं ये वॉशेबल हैं, ठीक है। पैडिंग डबल डबल पैडिंग है एक दो, तो ये एक सही रहता है, स्टिफ रहता है थोड़ा। और अगर अपन इसके लॉकिंग सिस्टम की मैकेनिज्म की बात करें तो ये वाला मैकेनिज्म है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये है डबल डी लॉक। तेरे को पसंद है? बिल्कुल भी नहीं, बट आदत पड़ जाती है। सिंपल मेरे को लगता है कि जो एक आता है पुश एंड पुल वो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन उन्होंने डबल डी दिया है। सो ये जो हेलमेट है ये देखो कितने का पड़ा, इट्स 6400 रुपीज़। तो ये इसको पड़ा है 6400 रुपये का। बहुत ही अच्छा हेलमेट है, इट इज़ वन ऑफ दोज हेलमेट जो आपको भीड़ में अलग से ही दिख जाएगा। ऊपर भी आप देखो एक बंदा है जो बेसिकली, कौन सी बाइक पे लगता है तुझे, कौन सी बाइक पे है ये? ये मुझे BMW की मेरे को लग रही है कि कोई बढ़िया सी 1000 RR है उसमें ये बंदा चला रहा है, और नीचे यहाँ पे ये डर्ट बाइक पे बंदा बाइक चला रहा है, और यहाँ पे एक केकड़ा बैठा हुआ है। तो यही ऐसा कुछ मिलेगा आपको, यहाँ पे ओशन की भी फील मिल जाएगी। तो बेसिकली इन्होंने सब कुछ कवर करा है, वेदर इट इज़ डेजर्ट ओशन, तो बहुत अच्छा हेलमेट है। एक चीज़ जो आप इस हेलमेट के अंदर ऑब्जर्व करोगे वो है इसकी एरोडायनेमिकनेस। आप ये देखो ये एकदम यहाँ से ऐसे आ रहा है और एकदम नीचे कट रहा है, ताकि जो एयर का जो डायरेक्शन है विंड की, जो विंड कटेगी वो बहुत अच्छे तरीके से कटेगी। प्लस एक और अपन बात करें ये कौन कौन से सर्टिफिकेशन इस हेलमेट को मिले हुए हैं, तो आप देखो यहाँ पे एक तो डॉट सर्टिफाइड है और प्लस ये ECE सर्टिफाइड है और 1500 ग्राम का है। ट्रस्ट मी, 1500 ग्राम के मैंने और भी हेलमेट उठाए हैं, बट आई डोंट नो व्हाई इसका वेट मुझे बहुत ही ज़्यादा कम लगा। प्लस एक और चीज़ मैं इसके अंदर आपको बताऊं, जो पीछे का इसका एक और स्टिकर है, दिखाओ भाई पीछे हो, ये देखो आई द बाइकर। ओ भाई साहब, मतलब इन्होंने बहुत मेहनत करी इसके ग्राफिक्स के ऊपर, एंड जो भी पैसा है ना इट इज़ वर्थ इट।
तो इफ़ यू आर हैव अ बजट ऑफ 6000 से लेकर 7000 के बीच में, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप इस हेलमेट के साथ जाओ। अगर आपको ये हेलमेट पसंद है तो आप भी ये ले सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आने वाले वीडियोज़ के लिए जो बेल आइकन है उसको भी दबाना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मैं आपको मिलूंगा अगले ही ऐसे किसी वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लिव योर लाइफ किंग साइज। बाय बाय।